नमस्ते दोस्तों, फिर पहुँचे हैं पार्ट टू वीडियो लेके, जो कि पहला एक वीडियो हमने दिखाया था आपको चार सॉकेट में वायरिंग, इन्वर्टर और मेन वायरिंग किस तरह से किया जाता है, तो उसी का दूसरा भाग है। तो देखिए, इस बोर्ड में जो कि खोल लिया था, पहले वाला वायरिंग था जो कि एल्युमिनियम वायरिंग है, तो टोटली नॉर्मल वायरिंग है, तो इसे हम खोल के हटा देंगे इसको टोटली। और देखिए, मेरे हाथ में ये पीला वाला जो वायर है, तो ये 1.5 मल्टी स्टन है, इसे हम इस बोर्ड में वायरिंग करेंगे और साथ में रेड कलर का और येलो कलर का हम डालेंगे। तो पहले इस वायरिंग को टोटली हम खोल लेंगे, खोलने के बाद फिर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर किस तरह से वायरिंग करते हैं सॉकेट बोर्ड में। तो ये रेड कलर का हम फेज में जोड़ेंगे, यानी कि फेज और जम्पर के लिए हम रेड का इस्तेमाल करेंगे और न्यूट्रल के लिए हम पीला वाला वायर इस्तेमाल करेंगे। तो ये चार स्विच देख रहे हैं, चार स्विच जम्पर के लिए और चार स्विच में मेन कनेक्ट के लिए हम रेड वाला वायर जोड़ेंगे। तो और इसमें से देखिए दोस्तों, और एक बात बोल रहा हूँ, एक सॉकेट हम सेपरेट करेंगे ताकि ये सिर्फ एसी मेन रहेंगे एक सॉकेट में, और बाकी जो तीन सॉकेट में जो कनेक्शन अभी देने वाला हूँ, ये तीन सॉकेट में एक ही कनेक्शन रहेगा जो कि इन्वर्टर कनेक्शन रहेंगे तीन सॉकेट में, और एक सॉकेट जो कि सेपरेट रहेगा तो उसी में हम एसी मेन डालेंगे। तो देखिए, पहले स्विच का जो टर्मिनल नीचे वाला टर्मिनल है, उसी में से हम तीनों स्विच का कनेक्शन एक ही वायर से कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें हम इन्वर्टर का कनेक्शन जोड़ेंगे ताकि तीनों स्विच में कनेक्ट हो जाए। तो उसके बाद हम जम्पर जोड़ेंगे। तो ये तीनों सॉकेट देख रहे हैं आप, तीनों सॉकेट में इन्वर्टर कनेक्शन और ऊपर वाला जो सिंगल सॉकेट है उसको हम मेन में जोड़ेंगे। तो अभी हम जम्पर के लिए रेड वाला वायर, इसमें देखिए स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसी से सॉकेट में जो एल लिखा हुआ है इसी में देंगे, और एन लिखा हुआ साइड में देखिए इसमें हम जोड़ेंगे न्यूट्रल, क्योंकि चारों सॉकेट में कनेक्शन सेम होगा, एक ही कनेक्ट होगा न्यूट्रल, चारों सॉकेट में कनेक्ट कर दूंगा पीला वाला कलर का वायर से। तो अभी हम जम्पर को इस तरह से जोड़ रहे हैं, एक एक जम्पर अलग अलग काट के, यानी कि एक ही स्विच से जम्पर आप चारों सॉकेट में कनेक्ट करें, चार सॉकेट चार स्विच है तो अलग अलग ही जम्पर आपको देना है। तो दोस्तों देखिए, यह जो पीला वाला वायर है हमने डाला 1.5 का है, इस तो ये न्यूट्रल डाला हुआ है। देखिए, यहाँ से इस सॉकेट से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये चारों सॉकेट का जो है न्यूट्रल लिंक हमने कर दिया इसमें कनेक्शन। और जो रेड वाला वायर देख रहे हैं आप, तो इसमें एक सॉकेट छोड़ दिया हमने। देखिए, ये वाला सॉकेट को हमने ना इन्वर्टर में जोड़ा है ना मेन का कनेक्शन अभी फ़िलहाल दिया है। तो इस स्विच में जो नीचे वाला टर्मिनल देखिए, नीचे वाला खाली है, इसमें सिर्फ मेन होगा, जो एसी सप्लाई है वही हम इसमें एसी सप्लाई देंगे, और बाकी जो इसमें कनेक्ट है देखिए, इस स्विच में यहाँ से आके फिर इसमें कनेक्ट हुआ है, यहाँ से आके फिर इसमें कनेक्ट हुआ है। तो ये तीनों सॉकेट जो है स्विच में हम इन्वर्टर का कनेक्शन डालेंगे, इसमें सिर्फ ये अकेला एक सॉकेट है जो इसको हम मेन में देंगे। उसके बाद देखिए, इसमें अर्थिंग का कनेक्शन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये अर्थिंग का कनेक्शन हो गया, इसमें हर एक चीज़ में मार्किंग किया हुआ है। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है इसमें अर्थिंग होता है, और सॉकेट का जो अगले राइट साइड में जो है पिन टर्मिनल, उसमें आपको फेज जोड़ना है, और लेफ्ट साइड में जो है उसमें आपको न्यूट्रल जोड़ना है। एक्चुअली इसमें नंबर किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है, इस सॉकेट में, इस सॉकेट के स्पिन में न्यूट्रल दिया हुआ है, और सॉकेट के स्पिन में एल मतलब फेज दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है। तो सॉकेट से स्विच से यहाँ तक आपको देना है। दोस्तों, आप बोर्ड का जो वायरिंग देख लिया आपने, समझ भी चुके होंगे, तो कमेंट में बताइएगा। और अब बोर्ड को हम इसमें फिक्स करेंगे, जो कि देखिए बोर्ड का जो चार स्क्रू हम डालेंगे, तो इसका मार्किंग करके फिर ड्रिलिंग से हम इसको छेद करेंगे, चार सुराख करेंगे। उसके बाद पीवीसी जो ब्लॉक है, पीवीसी जो कि इसमें गुटका है, वो डालेंगे ताकि हम स्क्रू से इसको बोर्ड को कसने वाले हैं। तो हमेशा आप बोर्ड जैसा भी आप लगाइए, हैम्बर ड्रिल के मदद से ही आप स्क्रू डाल के ही आप बोर्ड को लगाइए, ठीक है। बोर्ड को लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि फेज न्यूट्रल और इन्वर्टर का जो वायर है और अर्थिंग का वायर किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो पहले हम लेंगे अर्थिंग का वायर, जो कि अर्थिंग वाला पे आपको दिखाया था पहले, तो चारों सॉकेट पे जो कि बीच वाला जो ऊपर वाला बड़ा वाला टर्मिनल है उसी में एक ही जगह पे हम ज्वाइन करेंगे, तो चारों सॉकेट में कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे जो कि 2.5 का जो हमने डाला था फेज न्यूट्रल, तो इसका न्यूट्रल हम लेंगे। पहले आपको न्यूट्रल ही लगाना है किसी भी काम में, आपको अगर वायर जोड़ना है तो पहले आप न्यूट्रल वाला ही जोड़े, तो इसमें सेफ्टी होता है। तो न्यूट्रल वाला हमने जोड़ दिया, देखिए
पीला वाला वायर में हमने जोड़ दिया, तो चारों सॉकेट का न्यूट्रल सेम ही रहेगा, क्यों न्यूट्रल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो 2.5 का है फेज, तो इसी स्विच में जो कि हमने एक सॉकेट जो कि हमने सेपरेट रखा था, तो उसी सॉकेट में हम जो कि इस फेज में फेज को डालेंगे इसी स्विच में, जो कि ये सिंगल एसी लाइन सॉकेट है, और बाकी तीन सॉकेट में इन्वर्टर। तो अभी हम इन्वर्टर लगाएंगे, तो उससे पहले मैं आपको टेस्टर से दिखा रहा हूँ। देखिए ये सॉकेट में हमने जो कि सिंगल एक ही सॉकेट हमने मेन में डाला है, मेन एसी में, तो देखिए टेस्टर में ग्लो हो रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए टेस्टर ग्लो हो रहा है, जो कि सॉकेट के राइट साइड में जो कि एल मार्किंग किया हुआ है उसी में। और अब बारी है इन्वर्टर का, जो पीला वाला 1.5 हमने इन्वर्टर डाला था, तो उसी इन्वर्टर को हम जो कि तीन सॉकेट में तीन स्विच में हमने कनेक्ट किया था, उसी तीन स्विच में कहीं भी एक स्विच में आप नीचे वाला टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए, तो तीनों स्विच में कनेक्शन मिल जाएगा। तो प्लस की मदद से मैं इसको जोड़ लूँगा आराम से, जोड़ने के बाद हल्का सा एक टेप मार देंगे ताकि दोनों वायर आपस में अलग ना हो। तो इसके बाद देखिए स्विच के जो नीचे वाला टर्मिनल है उसी में हम कनेक्ट कर देंगे, तो जो पहले रेड वाला हमने तीन सॉकेट तीन स्विच में हम कनेक्ट किया था, तो उसी में तीनों स्विच में आराम से मिल जाएगा। तो उसके बाद हम देखिए एक एक स्विच ऑफ करेंगे ऑन करेंगे, तो आपको दिखाएंगे फेज फेज का कनेक्शन में आपको दिखाऊंगा। देखिए ठीक है, तो तीनों जो कि ऊपर और बाया साइड में ऊपर और तीनों, देखिए तीनों सॉकेट में इन्वर्टर और टेस्टर ग्लो हो रहा है। देखिए एक एक स्विच में ऑफ करूँगा फिर दिखाऊँगा, तो देखिए इसका भी ऑन, देखिए टेस्टर ग्लो हो रहा है ऑफ़ करने से नहीं है। तो ये तीनों जो कि हम इन्वर्टर में हैं, तो उसके बाद हम मार्किंग से भी इसको मार्क लिख देंगे कि कौन सा एसी है कौन सा इन्वर्टर है। तो स्क्रू से मदद से मैं ढक्कन को लगा दूंगा बोर्ड का कवर को, उसके बाद मार्कर से हम लिख देंगे, क्योंकि दुकानदार को हमेशा कन्फ्यूज़ होता है कि कौन सा इन्वर्टर है कौन सा मेन है, तो किसी भी इक्विपमेंट्स लगा देना से गलती हो सकता है, तो इसीलिए मार्किंग कर देने से ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।